दोस्तों, आज मैं आपको चार्ट बनाना सिखाऊंगा, आपको पीपल ग्राफ। एक्सेल में कैसे हम पीपल ग्राफ बना सकते हैं, पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरी नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए दोस्तों, मेरे पास ऐसे कोई डाटा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और ये डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं जो इस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। अब इनको मेरे को कुछ स्मार्ट वे में मेरे को प्रेजेंटेशन दिखानी है मैनेजमेंट को, तो कैसे मैं एक्सेल को एज ए क्रिएटिव टूल में यूज कर सकता हूं। इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, हमारे को इंसर्ट में जाना होगा, ऑफिस 365 में या 13 या 16 में। आपको यहां पे देखिए माई एडिंस नजर आ रहा है, इसी की बगल में यहां पे देखिए ट्रांसफॉर्म कोल्ड डाटा इंटू ए कुल पिक्चर। आप इसको क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ये दिखाएगा कि कैसे हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट डाटा को हम एज ए पिक्टोग्राफ या पीपल ग्राफ में दिखा सकते हैं। अब यहां पे ये डमी डाटा है दोस्तों, लेकिन जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे देखिए डाटा और एक ये टैब है सेटिंग्स का, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, डेटा वाले पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर ये पूछ रहा है सिलेक्ट योर डेटा, तो आपने सिलेक्ट योर डेटा पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस डेटा को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ये क्रिएट का जो बटन है इसको क्लिक करना है। अब ये जो डेटा है ये आपका कन्वर्ट हो गया इस पर्टिकुलर पीपल ग्राफ के अंदर। और अब यहां पे जाकर के फिर से आप डेटा में जाएंगे, यहां पे टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। हमारा टाइटल है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो यहां पे आप जाइए और इसमें टाइप कीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये देखिए, ये इसके अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हमने टाइप कर दिया। अब ये तो हो गया डेटा का। अब इसी तरह से आप इसके अंदर जाकर के सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे अलग अलग थीम्स कर सकते हो। अब ये टाइप जो है मैंने इसको बनाना है ये वाला टाइप, तो ये टाइप इसका बन गया। यहां पे मेरे को अगर ये टाइप करना है, ब्लू कलर देना है, फिर फर्दर आई कैन चेंज द थीम्स। अब थीम के अंदर मेरे को कौन सा कलर चेंज करना है, यहां पे ये देखिए, तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे जो आपको अच्छा लगे वो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। शेप को भी चेंज करना है, अभी देखिए मैंने ये शेप ले रखी है, इसकी जगह अगर मेरे को ये वाली शेप देनी है तो ये वाली शेप आ जाएगी। अब इसमें चेक देखिए आप, ये 92 आ रहा है प्रोडक्शन में, तो यहां पे अपने आप से एक्सेल ने इसको 10, एक जो एम्प्लॉई को इसने 10 कंसिडर किया है। तो यहां पे देखिए जो 2 आ रखा है, तो यहां पे केवल हैंड जो है ये हाइलाइटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली, यहां पे देखिए इसका जो लैग है केवल ये थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे 48 है, तो यहां पे 50 होने पे पूरा हाईलाइट होगा, तो यहां पे 48 के लिए लैग का आधा पोर्शन इसने हाईलाइट कर रखा है। तो ये इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं और अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको काफी इफेक्टिव, काफी स्मार्ट बना सकते हैं। आई एम श्योर कि आप एक बार भी अगर इसको यूज करेंगे, डेफिनेटली आपके कलीग्स, आपके मैनेजर्स आपको पूछने वाले हैं, अरे ये आपने कैसे किया। तो आई होप यू आर गोइंग टू लव इट। और अगर इसको हटाना है, यहां पे आप हटा सकते हैं, और अगर इसका साइज भी अगर आपने चेंज करना है, यहां से ये देखिए इसके अंदर जाएंगे और यहां पे इसको साइज भी चेंज कर सकते हैं। और अब अगर मैं डेटा चेंज करके दिखाता हूं आपको, जैसे आप चाहते हो कि मेरा डेटा चेंज हो जाए, तो मैं यहां पे आपको देखिए रैंड बिटवीन, एक ये फॉर्मूला है रैंड बिटवीन, मैं यहां पे नंबर डालता हूं 10 और 99 के बीच में, ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट होगा। और ये जनरेट होने के बाद ये देखिए डाटा मेरा यहां पे चेंज हो गया। और फिर से मैं एक बार आपको इसमें चेंज करके दिखाता हूं, यहां पे देखिए मैंने इसकी थीम में, इसमें टाइप में जाकर के चेंज कर दिया ये वाला, और इसमें थीम में जाकर के ये मैंने ले लिया, और यहां पे शेप में ये चेंज कर दिया, राइट। अब अगर मैं इसके अंदर नंबर्स अगर चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरे नंबर्स भी चेंज होते जाएंगे, ये देखिए। अपने कमेंट्स जरूर शेयर कर कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और किस सब्जेक्ट्स के ऊपर आप मेरी अगली वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।